फ्रेंड्स सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल न्यू क्लासिक 350 फर्स्ट सर्विसिंग के लिए सीधाराम मोटर्स में लेके आया हूँ। ये वीडियो में प्रॉपर बनाया था, पहले जॉब कार्ड बनेगा, जो भी कंप्लेंट्स आप बता सकता है। इसमें 692 किलोमीटर चलाया था, पूरा बारिश में ही इसका राइड हुआ है। ज़्यादा छोटा मोटा प्रॉब्लम्स था, ब्रेक इशू था, बाकी एक फोर्क का आवाज़ था, सारे बता दिया जॉब कार्ड में। एक टेस्ट ड्राइव भी करके आ गया, मैं पूरा प्रॉपर परमिशन लेके बनाया था। अभी तक यूट्यूब में कोई भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया। आप लोग के लिए मैं प्रॉपर परमिशन लेके प्रॉपर A to Z डिटेल वाइज दिखा रहा हूँ। वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहूँगा। पहले प्री वॉश एक होता है, जैसे डस्ट से आता है तो डायरेक्ट उसका रैंप में नहीं लेके जाते, फ्री वॉश हो जाता है। इसके बाद इसका सर्विसिंग सेंटर देख सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा है, एकदम ऐसा लग रहा है ये वर्कशॉप जैसा नहीं लग रहा है, शोरूम जैसा लग रहा है। काफ़ी साफ़ सुथरा है सीतारा मोटर्स का सर्विसिंग सेंटर। मैं इससे पहले बनाया था, उससे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मैं मीटियोर का वीडियो भी बनाया था, 1.5 लाख व्यूज़ भी आप लोग दिया, वो भी डिटेल में बनाया था, उससे भी ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो में बना रहा हूँ। सबसे पहले रैंप के ऊपर चढ़ा रहा है, ये प्रॉपर जो आइटम्स यूज़ करता है वही है आपको, क्लीनर, चेन क्लीनर है, लुब्रिकेशन है, जो रॉयल एनफील्ड का ऑयल, आपका एयर फिल्टर, बाकी एसरीज टोटल है। इनका जो यूज वाला टूल्स है सारे लेके आपको ट्रे में लेआउट किया, और इंजन ऑयल का काली ट्रे, एलेंकी सेट। सबसे पहले मिरर हम लोग को पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर उठा के आया था, ये अभी नीचे को डाउन किया। उसके बाद आपका क्लच एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट शोरूम फैक्ट्री से आने के बाद कभी इस तरह चेक नहीं करते, फर्स्ट सर्विसिंग में प्रॉपर कराना है। मिरर्स को डाउन पोजीशन किया, इसमें विजिबिलिटी थोड़ा अच्छा है, टोटल नीचे तक टाइट किया है, पहले ऊपर में था, इसका लेवर्स को नीचे तक टाइट किया। इसमें वाइब्रेशन में हिलता भी नहीं, कुछ नहीं, ये भी पूरा टाइट करके पूरा डाउन पोजीशन में लेके आया। दोनों मिरर्स को इस तरह किया हुआ है, ये डाउन पोजीशन किया, पहले ऊपर के लिए रहता था। इंडिकेटर चेक किया, पीछे का लैंप भी चेक किया, बैकलाइट, उसके बाद इंजन बीट भी एक बार देख रहा है, उसका हेडलैम्प, हाई बीम, लो बीम, दो लाइन होता है उनके ऊपर चेक करते हैं लोग, और उसके बाद में हजार लाइट चेक करेगा और रैंप को अप किया है। सबसे पहले काफ़ी डस्ट हो गया नीचे, इंजन ऑयल का जो कैप है उसको ओपन किया, ये दो नट के साथ में फिल होता है। ऑयल तो थोड़ा पिछले मीटियोर में थोड़ा अच्छा था, ये ज़्यादा घूम लिया हम लोग, लगभग 700 किलोमीटर थोड़ा काला हो गया। इसका ऑयल 1.75 लीटर लगता है। ये एक मेन फिल्टर है, ये कभी चेंज नहीं होता है, इसको खाली एयर प्रेशर से क्लीन कर देता है। अभी जो निकाल रहा है ये मेन फिल्टर है, देख सकते हो ऑयल काला हो गया। अभी इसके बाद रॉयल एनफील्ड बोलते हैं 6000-7000 में चेंज करो इंजन ऑयल, लेकिन एज ए टेक्नीशियन का ये लोग बता रहा है सर 4000 में करा लो आपका अच्छा रहेगा, पहले तो 5000, वैसे कुछ नहीं होता लेकिन आपको इंजन के लिए सही रहेगा। ये फिल्टर और इंजन ऑयल चेंज में ये फिल्टर को चेंज करना है। इसका कास्ट ज़्यादा नहीं है, 90 कुछ रुपये 120 रुपये कुछ डाला था, कैप खोल दिया, बारिश में घुमाया तो इसमें इस बाइक में मीटियोर में किया नहीं था, इस बाइक में आपका फ्रंट व्हील का डिस्क या ब्रेक भी पूरा क्लीन किया, खोल के एयर प्रेशर से साफ किया। ये बरसात में ज़्यादा ख़राब होता है, रस्ट रेत चले जाता है ना बारिश में, इसमें ज़्यादा ख़राब होता है। ये पूरा एयर प्रेशर से साफ किया, कभी भी ब्रेक
ब्लेड में आपको डिस्क में कभी भी ऑयल अप्लाई नहीं करना, इससे पैड्स का ग्रिप नहीं मिलता, स्लिप हो जाता है, ये पक्का ध्यान रखना है। एक बार चेक किया है, ब्रेक सही से अप्लाई हो रहा नहीं हो रहा है, बढ़िया परफेक्ट हो रहा है। वैसे भी इसका फ्रंट ब्रेक बहुत बढ़िया था। ब्रेक ऑयल का लेवल चेक किया, थोड़ा कम हुआ लग रहा है, ये फिल किया, अभी देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड का ब्रांड का ही ब्रेक ऑयल का छोटा सा डब्बे में लेके आया, ये थोड़ा फिल किया है, वहाँ पर एक नाप है उससे ऊपर होना चाहिए, ये बराबर में आ गया। रियर ब्रेक का एयर ब्रश से साफ किया है, पहले एक ब्रेकिंग इशू था वो बीच में हम लोग लेके गया था, वो सही कर दिया, अभी अच्छा ब्रेक अप्लाई हो रहा है। चेन भी काफ़ी लूज हुआ है इसमें, पिछले में मिटियोर में तो इतना लूज नहीं हुआ, इस पर काफ़ी लूज हुआ है। मैं मिटियोर में अभी मैं गियर ऑयल यूज़ करता हूँ, जो सेकंड सर्विसिंग के बाद में अभी तक मेरा चेन का ऐसे ही है, अभी तक कोई लूज नहीं हुआ। ये 25-30 करके बताया, एक्चुअली एक रिंच देता है हम लोग को टूल किट में, उससे देख के नाप सकता है, प्रॉपर टाइट कर दिया। टोटल डिटेल में बनाया मैं, 19 मिनट्स का कुछ वीडियो है, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा क्या क्या काम कराएगा, इसीलिए वीडियो लास्ट तक दिया। अभी चेन क्लीनिंग कर रहे हैं, ये पक्का ध्यान रखना, उसके बाद लूब्रिकेशन नहीं कराना, ये वॉश में जाएगा तो लूब्रिकेशन पक्का निकल जाता है, कई जगह लूब्रिकेशन भी साथ ही कर देते हैं, आप देखने से मना भी कर सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में भी कई बार ऐसे किया था। मैं चेन क्लीन के बाद में डिटेल में दिखाऊंगा, काफ़ी बारीक से हल्का सा रेत भी नहीं मिलेगी, इतना बढ़िया साफ किया। सर्विसिंग का मामला में रॉयल इनफील्ड का बहुत ही कमाल का सर्विसिंग है। उसके बाद एयर प्रेशर से जितना भी डस्ट सैंड जो भी होगा देख सकते हैं कैसा स्प्रे करके निकाल रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, काफ़ी बढ़िया सर्विसिंग लगा। अभी देख सकता है थोड़ा फोकसिंग इशू आ रहा है, अभी लाइट मारो, प्रॉपर इतना रेत में आया था गंदा में मिट्टी में, चेन पूरा प्रॉपर क्लीनिंग हो गया, अभी ये वॉश में जाएगा तो और अच्छा क्लीन हो जाएगा। अभी एयर फिल्टर का क्लीनिंग करने के टाइम है, एयर फिल्टर का इसका चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, 10,000 किलोमीटर में यदि फिल्टर खराब होता है तो चेंज करना है, नहीं हो तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा डस्ट रेत इलाका में जो घूमता है उनके लिए ज़्यादा डस्ट पड़ता है, नहीं तो आप नॉर्मल हाईवेज में सिटीज में चला दो तो इतना कोई डस्ट नहीं आता है। इस बार थोड़ा मैकेनिज्म अलग किया मीटियोर से इसका, मैं इसीलिए पूरा बनाया था, एक कोलने का थोड़ा जानकारी आप लोग को भी जानकारी होने होता है करके, मैं बीच में कट नहीं किया, थोड़ा हल्का फास्ट फॉरवर्ड करके बनाया था, काफ़ी अच्छा येलो कलर का फिल्टर है, सेम मीटियोर में भी यही फिल्टर आता था। एयर प्रेशर से बढ़िया से डस्ट निकाल दिया, यही फिल्टर को दोबारा रीयूज़ करेगा। वैसे चेंज करने के लिए 275 रुपीज़ इसका कास्ट है, मैं सेकंड सर्विसिंग में भी मीटियोर में चेंज नहीं कराया, थर्ड सर्विसिंग में देखते हैं, अंदर का देख सकता है कहीं भी डस्ट भी नहीं है। ये री असेंबल कर रहे हैं, पूरा कपड़ा से हल्का फुल्का डस्ट भी पूरा निकाल रहे हैं। ये जो नॉक है इसमें फंसता है क्लिप सिस्टम, और ऊपर में जो क्लैंप से पकड़ जाता है, ये कुछ अलग सिस्टम से दिया था, उसके बाद इसका चाबी से लॉक हो जाता है। ये एक और है पोर्शन कंपार्टमेंट आपका बैटरी का, थोड़ा मिट्योर में ओपन स्पेस में दिया था बैटरी और फ्यूजेस का, शायद इसका थोड़ा ये बॉक्स छोटा होने की वजह से काफ़ी कंजेस्टेड लगा मेरे को, वो डिजाइन के चलते इसी शेप में लाने के लिए इसी में बैटरी फिट किया फ्यूजेस है,
हर एक का एक एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिया हुआ है, तीन कलर का तीन है। इसमें ऊपर में लेबल है, आप खोलने से पता चलता है कौन सी फ्यूज़ किसका काम आता है, हेड लैम्प का कौन सी है, आपका मामूल लैम्प का, ये इंडिकेटर का एक फ्यूज़ है। टोटल आप पढ़ के कहीं भी ख़राब होता हो तो जो चीज़ काम नहीं करता तो फ्यूज निकाल के दूसरा फ्यूज आप लगा सकते हैं, ये बाहर ही रहता है। ये बैटरी है, एक बार स्क्रूस देख लिया, ये बिल्कुल ड्राई में आया था। इसमें एक ये ग्रीस नहीं पता रहा है, ये एक वैक्स टाइप का है, बहुत ही हम लोग घी जैसा आ रहा है। इसको अप्लाई किया कहा कि रस्ट, पानी का रस्ट आने के बाद क्या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसीलिए ये लोग अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो पानी को अंदर घुसने नहीं दे, फैक्ट्री को कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। काफ़ी कंजेस्टेड जगह में दिया, वो डिजाइन के चलते है, इतना में पूरा एडजस्टमेंट किया। ये टूल किट का एक लॉक है, ये बैटरी का लॉक है, रबर का दिया हुआ है, इसी में आपको फ्यूजेस भी आ गया। इनका एक ट्रेनिंग चल रहा है न्यू क्लासिक का, इंजन का मतलब इनका भी कुछ चलता है अंदर में, वो खोल के रखा था नया इंजन एक, मैं उसको आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ अंदर में कैसे रहता है। इसका पिस्टन एरिया सारे, कोई भी न्यू व्हीकल आता है तो इनके बारे में इनको ट्रेंड होता है। इसका चैन है गेयर बॉक्स का अंदर, टोटल उसका अंदर मशीनरी था। अभी बैरल में रॉयल एनफील्ड का ऑयल आता है, 1.75 ml है, लगभग 2.25 लीटर, थोड़ा ज़्यादा ही दिया, 1800 ml दिया है। ये नया फिल्टर है, ये हर बार ऑयल चेंज करने के टाइम आपको चेंज करना ही करना है, ताकि जो भी कचरा डस्ट होता है आपको ये पूरा खींचेगा, ऑयल में ज़्यादा डस्ट नहीं जाने देता है। और एक ये मेन फिल्टर क्लीन करके दिया हाथ में, ये मेटल का स्टील का है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, खाली क्लियर पूरा साफ करके रखना, इसमें भी काफ़ी डस्ट जम जाता है, नीचे वाला डस्ट पूरा इसमें आ जाता है। उसके बाद अप्लाई कर दिया, ये दोनों का नट असेंबल कर रहे हैं कैप लगा के। ये ऑयल को डाल रहे, काफ़ी थिक रहा था ऑयल, ये रॉयल इनफील्ड का नॉर्मल बाइक में हम कैस्ट्रॉल का जो ऑयल डालते हैं उससे थोड़ा अलग है, सिंथेटिक ऑयल है, काफ़ी थिक रहा था। बिल मैं और एक वीडियो में दिखाऊंगा, एक्चुअली बिल जनरेट नहीं हुआ, वो बोला व्हाट्सअप में भेज दूंगा करके, कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था। अमाउंट मैं लगभग लास्ट में बता दूंगा, टोटल बताया था, यदि मेरे को बिल आ गया तो लास्ट में आपको मैं रेटिंग में भी डाल दूंगा। इंजन पूरा अभी ऑयल फिल हो गया, एक बार इंजन स्टार्ट किया तो अभी पूरा ड्राई हो गया ना, ये चारों तरफ इंजन खींचेगा ऑयल को, उसके बाद को लेवल को देखना है। वहाँ दो डॉट दिख रहा है, ऊपर वाला डॉट में आपको देखना है बराबर आया नहीं आया, एक बार इंजन बीट भी सुन लीजिए, हल्का सा वाइब्रेशन अभी भी है। अभी धीरे 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 फिल्टर होके आ गया लेवल में, ये काफ़ी लूज था देख सकते हैं, इसी में एक आवाज़ भी आया था, तो नया बाइक में भी कैसे लूज हो पता नहीं, ये भी काफ़ी लूज था, ये तो रिसेंटली फिट किया था तो फिर भी लूज कैसे हुआ। ये सब पूरा टाइट करने से क्या है, आपका कुछ हल्का वाइब्रेशन भी कम हो जाता है, कहीं नट बोल्ट गिर के गिर गया तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हर एक नट एंड बोल्ट को A to Z कहीं भी छोड़ा नहीं है, टोटल टाइट किया हुआ है, हर एक नट में हल्का सा लूज मिला है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया था, ये भी पिछले वाला सर्विसिंग में मेरे को नहीं किया, ये जो क्रैंक था चेन फोक्स का ये टोटल टाइट किया, और उसके बाद डिस्क का जितने भी
स्क्रू से एलेंकी से पूरा टाइट किया, ये भी लूज होता है बोल रहा है, ये टोटल टाइट किया हुआ है। सेम टू सेम फ्रंट व्हील का भी टाइट किया है। अभी जितना भी मूविंग पार्ट्स है उसमें से ऑयल लगाया। मैं एक चीज़ देखा हूँ, ये ऑयल ख़राब वाला ऑयल नहीं लेके आया, फ्रेश ऑयल लेके आके अप्लाई किया। ज़्यादा ही डाला, बोला सर वॉश में जितना ज़रूरत था अंदर रहेगा बाकी निकल जाएगा। हर एक मूविंग पार्ट में, गियर से लेके आपका रेस्ट तक, क्लच ब्रेक सारे में डाला। क्लच का ग्रीस काफ़ी अच्छा वाला ग्रीस है, अप्लाई किया, टोटल उसके अंदर भर दिया। देख सकते हैं लेडीज़ यहाँ काफ़ी साफ़ सुथरा रखा है, जैसा लगता है नहीं है ये आपका वर्कशॉप है, काफ़ी खूबसूरत मेंटेन किया हुआ है। एक बार टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहा है दोबारा। साफ़ सुथरा काफ़ी अच्छा लगा, इनका रिसीविंग भी काफ़ी अच्छा है, रहने के लिए एसी रूम दिया हुआ है, आप ग्लास से देख भी सकता है। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये सितारा मोटर्स का जो सर्विसिंग सेंटर है, और उनका जम खुद आके बैठ रहा है, देख रहा है कैसे होता है क्या होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सितारा मोटर्स उन्हीं का नाम से, उनका नाम है जम, वो भी आया था काफ़ी देर, देखा है कैसे हो रहा है। प्री वॉश कर रहे हैं पहले, यहाँ पर एक फोम जैसा सोप वाटर से अप्लाई किया। पिछले बार भी वीडियो में कई आदमी दिखाया था, कई जगह शैम्पू से रगड़ देते हैं, अंदर से देख सकते हैं पूरा इतना एयर प्रेशर आता है, मिट्टी पूरा निकल गया। ये स्प्रे अप्लाई किया, ये सोप वाटर, ये मशीन से स्प्रे करते हैं तो आपको फोम जैसा आता है, काफ़ी अच्छा लगा इसमें, देख सकते हैं। मैं पहले कराया था मिट्टी और इस तरह फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। मैं इसका नेक्स्ट दो वीडियोस पोस्ट करूँगा। मैं एक हल्का सा मॉडिफाई किया था स्टिल्थ ब्लैक का, और एक ब्राउन कलर का सीट कवर भी अप्लाई किया, दोनों को मैं वीडियो नेक्स्ट पोस्ट करूँगा। उसके बाद स्मूथ कपड़ा से टोटल साफ़ किया, रूटीन है सफाई, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, पूरा पानी से क्लीन करके फिर ड्राई करेगा। मैं पहले सोचता था शॉर्ट में बनाने के लिए, फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा बोल के पूरा लंबा बनाया था। ये ज़रूरी है, कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में ब्रेक्स में पानी रह जाता है तो कार्बाइन जम जाता है, रस्ट भी आ सकता है, काफ़ी तेज में एयर प्रेशर आता है। इससे करने से क्या होता है, आपका वाटर पूरा रिमूव हो जाएगा, काफ़ी ड्राई रहेगा। देख सकते हो कितना तेज़ी से पानी को फेंक रहा है। एक वैक्स लेके आया, ये जो मतलब आपका मैट फिनिश वाला पार्ट्स में नहीं है, इंजन का संबंधित आपका साइलेंसर इंजन ये साइड वाले जितने भी पार्ट्स में एक वैक्स लगाया। इससे बोलता है सर ये कुछ दाग मिलता है, दाग नहीं मिलेगा आपको, जल्दी रस्ट नहीं आना जाता है। मैं पूछा था वो क्या ब्रांड क्या है, लेकिन वो बॉटल में लेके आया, आप देख सकते काफ़ी अच्छा चमक आ रहा है, और जल्दी बोला पानी गिरने से भी निकल जाता है। अभी पूरा ड्राई होने के बाद में आपको लुब्रिकेशन कर रहे हैं। ये लुब्रिकेशन आप लेके अपना अपना 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर में करा सकते हैं। अभी देख सकते हैं पूरा सर्विसिंग हो गया, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है स्टेल्थ बैग। अभी इसका मैं हल्का सा मॉडिफाई भी किया है, ये छोटा सा वीडियो तो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। प्लीज़
वीडियो देखता है काफ़ी आदमी, सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।